के महिलाएं भावुक होती हैं जब कभी हम अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, प्रत्युत्तर में कई बार हमारे ऊपर पर्सनल अटैक होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम उस सूरत में इतना बुरा भला सुना क्योंकि हम भावुक हैं, उस सूरत में हम कैसे डटे रहे, अपनी बात को कैसे आपकी तरह हम नॉर्मल नहीं रह पाते। मैंने आपको बहुत सुना है कड़वे से कड़वा प्रश्न भी आप आराम से सहजता से उसका आराम से एक एक पॉइंट लिख के उत्तर देते, पर वो क्षण हमारे लिए ऐसा होता है कि या तो क्विट कर जाओ या सो फेसबुक ऑफ और दो सोशल मीडिया से हट जाओ। तो आप हमें थोड़ा सा इसके लिए मार्गदर्शन दें। देखिए ये बड़ी बहुत मतलब जो बात आपने कही ऐसा नहीं है कि मैं उससे अनभिज्ञ हूँ या खुद उसको भुक्तभोगी नहीं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्योंकि प्रहार मैं करती हूँ बहुत विश्व के ऊपर, तो वापस अटैक भी मुझ पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही गलत किस्म का होता है। तो उसका सिर्फ ये है कि अपने मन में ये सोच लेना, जो मुझे अक्सर कई बार काउंसलिंग में मेरे को मित्र और बाकी लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम सब कुछ ठीक नहीं करते होते तो अटैक क्यों होगा। अटैक उन लोगों पर होता है जो अपने रास्ते से भटक नहीं रहे और जो अपना काम सही कर रहे हैं। तो जितने अटैक हो तो उसका मतलब समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर। अटैक उसका एक सर्टिफिकेट है क्योंकि जिनकी सत्ता परिवर्तन हो रही है या जिन लोगों की रोटी रोजी का आप ठिकाना बंद कर रहे हैं, जिनके दुकानों के ऊपर आप ताले लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो नाराज होंगे। नाराज भी व्यक्ति तो गाली देकर ही करेंगे क्योंकि आप तो आके गर्दन तो नहीं पकड़ सकते और कई बार तो ये धमकी भी देते कि गर्दन पकड़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि उसका एक तरीका जो मैंने सोल्यूशन निकाला है, कई बार बहुत ही पहचाने हानि होते, मैंने तो बल्कि उसको आइडेंटिफाई भी किया, मैंने तो पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है कि सो कॉल्ड मतलब कई ऊपर से देखने में लगता है कि भाजपा सपोर्टेड हैंडल्स है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो आपके खिलाफ कॉन्स्टेंटली लिखता गाली गलौज करता है। तो मैं उनका फोटोशॉट रख लेती हूँ, फोटोशॉट रखती हूँ आने वाले, अब जब मेरे को वो लिंक्स मिल जाते हैं खासतौर पर उसका फोटोशॉट, फोटोशॉट रख के कभी तो म्यूट कर देती हूँ कभी उसको ब्लॉक कर देती हूँ। वो उसका एक तरीका है ताकि उससे आपका अपना एक पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है कि कौन सा गैंग कौन सा ग्रुप और किस तरीके के हैंडल कौन लोग है, वो आपको समझ में धीरे से आने लगेगा कि ये एक बैठा हुआ एक कमरे में बैठा हुआ 10-20 लोग का ग्रुप है जो 1,000-2,000-10,000 हैंडल कर रहे हैं और फिर उसकी खाली आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन निकालनी है, बाकी तो आपके पास पूरा मसाला कहीं ना कहीं तैयार है। तो तरीका यही है कि अगर कोई जितनी गाली दे रहा है कोई किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबका मान सम्मान होता है, खासतौर पे हमारे किस्म के जितने लोग हैं वो मान सम्मान के लिए ही जीते और लड़ते हैं, तो उन लोगों को मान सम्मान की बहुत चिंता रहती है, शर्म बेशर्म की भी चिंता रहती है। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप फोटोशॉट रखें और उसके बाद उसको आप ब्लॉक मारें या म्यूट करें, जो भी अगर पहचान वाला लगता है तो म्यूट कर दे और ना पहचान वाला हो तो ब्लॉक मार दो, ये यही तरीका है। और गाली पड़ गया तो मतलब काम ठीक कर दे। सर धन्यवाद मीनाक्षी जी, आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं अभी तक की शराब और उठते हुए बाजार से क्या चाहते हो, तो ये बाजार उठ गया और इस स्टेज को हमने बैठ किया। सोशल मीडिया की एक समस्या है, इसमें श्रोता और दर्शक की कोई भूमिका नहीं है, हम जो भी अखबार में लिखते हैं पढ़ने वाला उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं कर सकता, उसके पास कोई माध्यम नहीं। टीवी पर अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसके पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि तुमने इतना हल्ला करना है, उसने ये दिखाना है, दूसरे ने कुर्ता पाया दिखानी है, तीसरा कुर्ता उतारने की बात करेगा और कपड़े फाड़ने की बात करेगा, ये सब तय है पहले से, इसके स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। सामान्य व्यक्ति उसमें कहां से आए, तो ये सारा वो है जो लोगों की बात तेजस्विता के साथ निर्भीकता के साथ बिना किसी समस्या के बिना किसी परेशानी के इस डर के कि मुझ पर क्या होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई मालिक नहीं, हम किसी मालिक के लिए जवाब दे नहीं है और मीडिया मूलतः किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उनकी सीधी सी बात है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न चाहिए। ये बात इस हद तक बढ़ी कि संपादक
मूल पत्रिकाओं ने संपादक हटा दिए। आपको किसी को मालूम है टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक कौन है, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक कौन है, दैनिक जागरण का संपादक मालिकों के नाम है, उनका कौन है? कारण उन्होंने सीधी सी बात रखी कि दुकान हमारी, माल हमारा, हम आपको क्यों चमकाए?